जीडी गोयनका विद्यालय के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे सपा एमएलसी एवं पूर्व मंत्री सुनील साजन। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे सपा एमएलसी एवं पूर्व मंत्री सुनील साजन ने योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, मंदिर, संत, भगवान, धर्म, इन सब पर काम करना और रामनवमी का त्यौहार मनाना बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हमारा आह्वान है योगी सरकार से कि रामनवमी कार्यक्रम पर और पैसे जारी किए जाए ताकि सभी को प्रसाद मिल सके, सारी व्यवस्था मुकम्मल हो सके। इसके साथ ही संविधान में सभी धर्मों को समानता का अधिकार प्राप्त है। योगी जी सभी धर्मों का ख्याल करें। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने से पूर्व सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की सदस्यता भी भाजपा की तरफ से खत्म किए जाने का चक्र रचा गया था। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में एमएलसी राजपाल कश्यप, आनंद भदौरिया चेयरमैन, विनीत तिवारी एमएलसी, शैलेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व सपा विधायक अरुण वर्मा, सपा जिलाध्यक्ष पृथ्वी पाल यादव आदि लोग मौजूद रहे। साथ ही साथ चेयरमैन विनीत तिवारी ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और बधाई दी। सबसे पहले बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे ये बताएं। देखिए मैं सबसे पहले तो विनीत भाई को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सुल्तानपुर में जीडी गोयनका जैसी फ्रेंचाइजी एक अच्छा स्कूल खोला है, कॉलेज खोला है, और जो सुल्तानपुर के ग्रामीण के बच्चे हैं या जो शहर के हैं जिनके माँ बाप बड़े शहरों में नहीं भेज पा रहे थे, कम से कम उनका सपना पूरा हुआ है। ये धर्मार्थ का काम है, ये धर्म का काम है, और मुझे लगता है धर्म में इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता है। धर्म के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में नवरात्र के लिए 1,00,000 रुपया दिए, रमजान के लिए भी नहीं दिए, रामनवमी इसमें आपका क्या स्टाइल है? देखिए क्योंकि धर्म, आस्था, मंदिर, भगवान, साधु, संत, ये सब हमारी निजी आस्था का विषय है, लेकिन हम जिस धर्म को मानते हैं वो हमारा निजी विषय है, लेकिन देश संविधान से चल रहा है, देश धर्म से नहीं चल रहा है। तो सरकार ने मंदिर में भजन के लिए, माता जी की आरती के लिए पैसा दिया है, उसका समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये पैसा कम है, सरकार को ज़्यादा पैसा देना चाहिए जिसमें सारे मंदिर में भजन, पूजन, अर्चना और कम से कम सबको प्रसाद मिल सके, और इसी के साथ साथ बाकी जो धर्मों के भी त्यौहार हैं उनके लिए भी वो त्यौहार मने, उनके मानने वालों की आस्था के लिए भी कुछ काम करें, क्योंकि धर्म और संविधान दोनों अलग है। संविधान ये कहता है कि सारे धर्म का सम्मान होना चाहिए, तो हमें उम्मीद है कि सरकार सारे धर्मों के लिए काम करेगी। राहुल गांधी की अभिव्यक्ति की सफलता समाप्त हुई है, उस पर आप क्या लेंगे? कांग्रेस ने बड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया है आज। देखिए हमारा अपना ये मानना है कि जिस तरीके के मामले आ रहे हैं, क्योंकि जो नेता है वो संघर्ष करके गया है, आंदोलन करके गया है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ऐसी पार्टियां हैं जिनमें बहुत कम नेता होंगे जो संघर्ष और आंदोलन से निकले होंगे, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं पूरे देश में वो सब आंदोलन से निकली हैं। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी साजिश करके माननीय आजम साहब का की सदस्यता, अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जिस तरीके से छीनी है, पेरेंट्स हैं, मुझे अच्छा लगेगा इस खबर को आप बहुत जोर शोर से चलाएंगे, जैसा अभी हमारे चीफ गेस्ट ने कहा था कि पेटी स्कूल को करना चाहिए। ये पहला जीडी गोयनका स्कूल है जिसने ऑनलाइन क्लास में 50% फी ही ली है, हमने 100% ली नहीं है, और जब बच्चे घर पे थे तो हमने 70% तक का डिस्काउंट हुआ है, और 12 नहीं, अगर हमारे यहाँ बच्चे ने अक्टूबर में इनरोल कराया है तो हमने उससे 5 महीने की सिर्फ फीस ली है, ना कि 12 महीने के लिए, ये हमने पहले ही कर रखा है, और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से लोगों को ये जागरूकता मिलेगी। और सबसे महंगा एक फिनामिना हो गया, जीडी गोयनका बहुत बड़ी ब्रांड है, तो जीडी गोयनका निश्चित रूप से भारत की सबसे बड़ी ब्रांड है, बट सुल्तानपुर स्तर पर इसको हम लोगों ने बहुत लिबरल इसकी फीस की है कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्कूल की फैसिलिटीज अचीव कर सकें। मिनिमम हमारे यहाँ इसके लिए स्कूल विजिट करना पड़ेगा, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यह स्कूल जनपद में आपको जो सुविधा दे रहा है उसके लिए आपको लखनऊ ही जाना पड़ेगा, हमारे किसी से लड़ाई नहीं। फीस सर देखिए, फीस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है कि जब हम आपसे पाएंगे फिर हम कैपेसिटी खर्च करेंगे तभी हम अच्छी फैकल्टी लाएंगे।